गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित पश्चिमी रेलवे मंडल द्वारा कोरोना काल के दौरान कई यात्री गाड़ियों को निरस्त किया गया था, लेकिन 1 जून से अनलॉक होने के बाद यात्रियों की मांग के अनुसार 27 यात्री गाड़ियां शुरू की गई। इंदौर पश्चिमी रेलवे मंडल द्वारा कोरोना काल के पहले कुल 56 यात्री गाड़ियां संचालित की जा रही थी, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण इन्हें घटाकर 37 यात्री गाड़ियों की संख्या कर दी गई थी और यात्रियों की कमी को देखते हुए मात्र 10 गाड़ियां काफी कम दूरी के लिए संचालित की जा रही थी। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म होने के बाद फिर से एक बार यात्री गाड़ियां पटरी पर धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब कुल 23 गाड़ियां पश्चिमी रेलवे मंडल द्वारा संचालित की जा रही है। आने वाले विगत 13 जुलाई से इंदौर से पूरी यात्री गाड़ियों की शुरुआत की जा रही है। खैर, महामारी को ध्यान में रखते हुए अभी कई यात्री गाड़ियों में जनरल डिब्बे सहित प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कोविड-19 की सेकेंड लहर के बाद में जिस तरह से ट्रेनों का संचालन बंद किया गया था, कोविड के आने से पहले करीब इंदौर से 56 ट्रेनों का संचालन किया जाता था, लेकिन जैसे कोविड का प्रकोप आया और लॉकडाउन हुआ था तो रेलों का संचालन बंद हुआ था और उसके बाद में करीब 36 ट्रेनों का संचालन इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए किए जाने लगा। लेकिन कोविड की जो सेकेंड लहर आई थी काफ़ी आक्रामक थी, जिससे कि काफ़ी लोग ग्रसित हुए थे और लोगों में एक भय व्याप्त हुआ था। उसके कारण हमारी जो गाड़ियां थी उसमें यात्रियों की संख्या ना के बराबर होती थी, इसके लिए 26 गाड़ियों को रद्द किया गया था और केवल 10 गाड़ियों का संचालन किया जा रहा था। लेकिन 1 जून के बाद में जैसे लॉकडाउन खुला है उसके बाद में रेलों का संचालन पुनः स्टार्ट किया गया है और इंदौर से करीब आज तक 23 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और 23 ट्रेन को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना करते हुए रेल प्रशासन चला रहा है, जिससे कि जो भी यात्री यात्रा करे उसको संक्रमित ना हो। लेकिन अभी रेल मंत्रालय के निर्देशन पर 2 ट्रेनों का और प्लानिंग किया गया है। एक ट्रेन है जो कि इंदौर से पुरी जाती है, उसको 13 जुलाई से चलाया जाएगा और एक इंदौर से लिंगमपल्ली जाती है, उसको 17 जुलाई से चलाया जाएगा। ये गाड़ियाँ दोनों ही आने जाने में शुरू कर दी जाएंगी और इसके चलने के बाद में इंदौर से करीब 25 गाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। ये गाड़ियाँ विशेष गाड़ियों के तौर पर चलाई जा रही हैं और इसमें जितनी बर्थ हैं उतना ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लोगों को रिजर्व के अलावा जनरल टिकट अलाउड नहीं है और ना ही स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट को अलाउ किया गया है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है उससे पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है और लोगों को अनाउंसमेंट के द्वारा समझाया जाता है कि अपने आप अपने को सुरक्षित रखें, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको अनुपालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए ये सभी को पालन करना जरूरी है और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचें। जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ जनसंपर्क।